छत्तीसगढ़ में जो कि कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है उसी की तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। इधर बगल में देखिए बड़ी संख्या में प्रदेश भर से जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता गुलाबी झंडा लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं और विधानसभा घेराव की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगा के सभी को जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहां पर रोक दिया है और लगातार पुलिस और जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी देखने को मिल रही है। और यहाँ की ताज़ा तस्वीर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया है और जो बैरिकेड यहाँ पर लगा है इसके सामने एक और टीन का बड़ा बैरिकेड लगा है, मतलब इसको पार करने के बाद एक और टीन का बैरिकेड है उसको भी पार करना पड़ेगा जोगी कांग्रेस को। इसमें बहुत जद्दोजहद करना जोगी कांग्रेस को पड़ रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में प्रदेश भर से कार्यकर्ता आए हैं, गुलाबी झंडा पकड़े हैं, लेकिन बैरिकेड से आगे बढ़ने में सफल नहीं हो पा रहे हैं और इसी सफलता के लिए जोगी कांग्रेस लगातार पुलिस के साथ हाथापाई झूमा झटकी की कोशिश कर रही है, एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। और पीछे की तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ, पीछे भी देखिए और लगातार यही कोशिश है कि बैरिकेड को तोड़ के योगी कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़े क्योंकि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर विधानसभा है, वही विधानसभा जाके घेराव करने की कोशिश यहाँ पर योगी कांग्रेस कर रही है। और ये योगी कांग्रेस का चुनावी आगाज भी माना जा सकता है क्योंकि राज्य का एकमात्र क्षेत्रीय दल है जो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी ताकत आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित जोगी इस वक्त हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं और देखिए यहाँ पे जोगी कांग्रेस काफी देर से प्रदर्शन कर रहा है, बैरिकेड लगाए हैं और अमित जोगी और उनके कार्यकर्ता यहाँ पर सड़क पर बैठ के धरने पर बैठ रहे हैं। और उनके हाथ में जो तस्वीर है उसको आप गौर से देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तस्वीर वो अपने हाथ में रखे हैं और यहाँ धरने पर बैठ रहे हैं और उन्हीं से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि इस बार जोगी कांग्रेस क्या विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति में है। अच्छा अमित जी, पापा का तस्वीर रखे हाथ में। 15 साल छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाजपा का राज देख लिया, पिछले लगभग 5 साल उन्होंने कांग्रेस का राज भी देख लिया। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में ठगा नहीं। अब छत्तीसगढ़ की जनता बाकी प्रदेशों की तरह यहाँ पर भी क्षेत्रीय दल की सरकार देखना चाह रही है। जो लोग ये कहते थे कि जोगी जी के जाने के बाद उनकी पार्टी अनाथ हो गई है, वो आज देख ले कि जिनके ऊपर छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों का, छत्तीसगढ़ महातारी का, यहाँ के गरीबों का, मजदूरों का, महिलाओं का हाथ रहता है, वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। जो हमें कम आंक रहे थे आज उनकी ही ये जगह हमारे लिए कम पड़ गई है। हम कम नहीं है, हम में पूरा दम है और जरूरत पड़ने पे हम बम भी हो सकते हैं। अमित जी, बीजेपी और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जोगी कांग्रेस निष्क्रिय हो गई, 4.5 साल तक तो गायब ही थी। अब देखें आगे आगे क्या होता है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मेरे जो रगों में है स्वर्गीय जोगी जी का खून है, मैं थकने वाला नहीं हूँ, हारने वाला नहीं हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ, हर मोर्चे पर लड़ूंगा। अभी तक मेरी माँ की बीमारी के कारण मैं पूरी तरह मैदान में नहीं उतर पाया, पर आज स्वयं मेरी माँ ने आके मुझे आदेश दिया है कि तुम्हारी एक माँ नहीं दो माँ हैं और तुम्हें छत्तीसगढ़ महतारी की भी सेवा करनी है, जोगी जी का सपना पूरा करना है। एक और चीज बताइए कि मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों की पार्टी की? अब समय आने पे पूरे मुद्दे आ जाएंगे सामने, पर आज प्रमुख रूप से हम सरकार को याद दिलाने आए थे कि आपने 36 वादे किए थे अपने जन घोषणा पत्र में, एक भी वादा पूरा नहीं किया है, केवल आप छत्तीसगढ़ को लूटने में लगे हुए हैं। रमन सिंह जी को 15 साल लगे दारू वाले बाबा बनने में, ये 4 साल में दारू वाले कका बन गए। आज इतना भीग गए पसीना में, कार्यकर्ता भी भीगे हुए हैं, इससे क्या मैसेज जाएगा? राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, भूपेश राज में दारू मिले, गोबर बेच के पी। अमित जोगी दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो करीब पांच साल तक कांग्रेस की सरकार रही है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसी को याद दिलाने के लिए और जो 5 साल में कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र में वादे थे उन्हीं सब चीज को याद दिलाने के लिए यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरी ताकत के साथ जोगी कांग्रेस अब चुनाव लड़ने के लिए भी मैदान में उतर रही है। रायपुर से बीपी न्यूज के लिए रोहित मिरी।